सिंपल सवाल पूछता हूं मैं आप लोगों से जवाब दीजिए जो आपके घर खाना खाने आए और आपने उसको खाना खिलाया आप महान हैं या जो आपके घर खाना खाने आता है वो महान है खाना खिलाने वाला दयालु है या जो आके खाना खाता है वो दयालु है जो खाना खिला रहा है वो एहसान कर रहा है या जो आपके घर खाना खा, आके खाता है वो एहसान करता है भारत में ठीक इसके उलट है पूरी दुनिया में उसको काइंड महान मानवता के पुजारी कहा जाता है जो किसी को खाना खिलाए नॉर्वे में एक परंपरा है यूरोप में वो धीरे धीरे बढ़ रहा है जब कोई होटल जाता है तो कहता है कि पांच कॉफी का बिल पेमेंट करता है कहता है चार कॉफी दीजिए एक सस्पेंशन मतलब एक कॉफी आप रख लीजिए कोई आता है कहता है तीन प्लेट खाना दीजिए वो दो प्लेट खाना लेता है एक प्लेट का कहता है सस्पेंशन है कोई आदमी नीडी आता है वो कहता है कि कोई सस्पेंशन है होटल वाला उसको जाके वो कॉफी पकड़ा देता है या वो थाली का प्लेट पकड़ा देता है इससे होता क्या है कि आपके यहां कहावत है ना कि अगर आप किसी की मदद करते हैं दाहिने हाथ से तो बाएं हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए लेकिन भारत इकलौता देश है जहां खाने वाला महान है और इस परंपरा की नई कड़ी है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ब्राह्मण समाज से पैदा हुए हैं अब चुनाव आते ही शिड्यूल कास्ट के घर खाना खाने की परंपरा शुरू हो जाती है सोचिए उस शिड्यूल कास्ट लोगों के घर जो इस देश में जिनके पास सबसे कम जमीने हैं जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया जिनके रिजर्वेशन पर हमले हो रहे हैं एनसीआरबी के आंकड़े बताते जिनकी जातीय हमले में सबसे ज्यादा हत्याएं होती है अब बताइए उनके घर गरीब के घर जाके लाचार बेबस के घर जाके आप और उल्टे खाना खा रहे हैं अगर आप ये जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए भी कर रहे हैं तो भी ये बड़ा फ्रॉड है और यह काम सिर्फ एस जय शंकर ने नहीं किया है योगी जी करते रहे रविशंकर करते रहे राहुल गांधी करते रहे रविशंकर प्रसाद करें तेजस्वी यादव ने भी किया है ये जो परंपरा है इस पर रोक लगनी चाहिए और ये अपमान है और यह धोखा है फ्रॉड है फ्रॉड है इतना बड़ा कि हम बताइए दुनिया में कोई खाने वाला कैसे महान हो सकता है खिलाने वाला महान हो सकता है कहां से आई है यह परंपरा छुआछूत के जनक जिन लोगों ने छुआछूत बनाया जिन लोगों ने ऊंच नीच बनाया जिन लोगों ने भेदभाव बनाया वो अपने डाइनिंग टेबल पे आपको खाने के लिए नहीं बुलाएंगे आपकी शादी हो आपके घर में मुंडन हो आपके घर में बच्चे का जन्म हो आपका गरीब प्रवेश हो वो आपके यहां खाना खाने आएंगे लेकिन वो छुआछूत करते हैं आपको खिलाएंगे नहीं अब मैं जान गया हूं कि ये तो धार्मिक मामला भी नहीं लगता है धार्मिक मामला होता तो गुरु नानक साहब ने कहा साथ खाओ साथ बट, बट, बैठो लंगर का कंसेप्ट दिया बताइए आप लोग महान कहते हैं ना जब कोई लंगर बर, गुर, हम लोग गुरुद्वारे को क्यों महान कहते हैं क्योंकि जाके खाते हैं वो हमें खिलाते हैं आप भंडारा लगाते हैं खिलाते हैं तो आप नेक काम कर रहे हैं लेकिन भारत की राजनीति वाले लोग उल्टा कर रहे हैं मतलब जाके खाते हैं और कहते हैं कि हम आप पर एहसान कर रहे हैं ये तस्वीरें देख लीजिए दिलीप मंडल ने ट्वीट किया सोचिए कौन नेता नहीं है इसमें और जो लोग छूट गए हैं मैं उनका नाम लेके बता दूंगा आपको तो सोचिए कि ये कितने मतलब कैसे शातिर लोग हैं ये सबके सब जो खा रहा है ना वही महान है और खिलाने वाला जो है वो मतलब महान नहीं है अरे आपको अगर भेदभाव खत्म करना है जाति खत्म करनी है तो आप अपने डाइनिंग टेबल पे बुला के खिलाइए ना साहब ये तस्वीरें देखिए ये है एक बीजेपी का सांसद है जाति से ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ जाति से राजपूत राजनाथ सिंह जाति से राजपूत अमित शाह रविशंकर प्रसाद एस जयशंकर राहुल गांधी ने भी इस ड्रामा को राहुल गांधी भी कर चुका है वो भी ब्राह्मण समाज से है तेजस्वी यादव ने भी ये काम किया है दलित समाज के जाके खाना खाने का तो ये एक तरह का बहुत बड़ा धोखा है और सोचिए कि भारत में ये होता रहा है अंगना अंगूठा कटवाने वाला महान गुरु गर्दन काट देने वाला महापुरुष पिछड़ों के घर दलितों के घर आदिवासियों के घर गरीबों के घर जाके खाना खाने वाला महान अरे सर महान आप तब होंगे जब आप अपने घर बुलाएंगे आप खिलाएंगे अपने डाइनिंग टेबल पर वन व्यवस्था में खाना जाकर खाना भेदभाव नहीं है खाना खिलाना अपराध है उसी तरह से वन व्यवस्था में निचकुल में शादी करना अलाउ है नीच कुल में अपनी बहन बेटी की शादी करना अलाउ नहीं है खुद शादी वहां से कन्या उठा लीजिए कन्या से शादी कर लीजिए कन्या भेज नहीं सकते हैं मतलब ऐसे ऐसी परंपराएं हैं जिसमें लूट खसोट है अब बताइए किसी गरीब आदमी के पास जाके खाना खा लेना उस पर एहसान है या उस गरीब आदमी ने आप पर एहसान किया जो मुझे खाना खिलाएगा वो मुझ पर एहसान कर रहा है ना यहां उल्टे न, उल्टा नदी बह रही है जो खा रहा है वही कह रहा है कि मैं एहसान कर रहा हूं ये घोर जातिवाद है यही मनुवाद है और ये खासकर तमाम लोगों को कोई किसी के यहां खाना खाकर एहसान जताने की कोशिश करता है उसका राजनीतिक इस्तेमाल लगातार सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इसके लिए तो फीस लेनी चाहिए इन लोगों से यह बहुत ही गलत परंपरा है और ये अपमान भी है ये शोषण भी है और ये बेवकूफ बनाना भी है अरे आप अगर उच्च मानते हैं अपने आप को तो आप अपने घर बुला के खिलाइए ना ये एक उदाहरण मुझे मिलता है अरविंद केजरीवाल का गुजरात के एक शेड्यूल कास्ट यूबा की फैमिली को उन्होंने अपने घर बुलाया था और खाना खिलाया जबकि वो भी कई बार खा चुके हैं मैं फिर कह रहा हूं खाना खाने वाला महान नहीं होता है खाना खिलाने वाला महान होता है दक्षिणा लेने वाला महान नहीं होता है दक्षिणा देने वाला महान होता है पूरी दुनिया में दान देने वाला महान होता है भारत में दान लेने वाला महान होता है कभी सोचिएगा जरूर ये सब कुछ किस आधार पर किया जा रहा सोचिए जिन लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया जिनके साथ आज भी एनसीआरबी के आंकड़े हैं सबसे ज्यादा जो लोग जातीय हिंसा के शिकार हो रहे हैं उन्हीं के यहां खाना खाने का ड्रामा खाना खाकर आप महान बनते हैं अद्भुत है ये जिन लोगों ने इस राजनीतिक स्टंट को शुरू किया है उनको माफी मांगनी चाहिए और उनको अपने घर बुलाकर इसका पश्चाताप भी करना चाहिए किस देश के शोषित वंचित समाज को वो अपने घर बुलाएं अपने घर डाइनिंग पर खिलाएं खाना खाकर खाने वाला महान हो जा रहा है अद्भुत है ये चलिए ऐसी कड़ी में आगे प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार का ऐलान कर दिया मध्य प्रदेश में लेकिन सोचिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस आरएसएस से बड़ा हिंदुत्व चेहरा उसके कार्यक्रम का नाम है शंखनाथ बजरंग दल पहले ही ज्वाइन कर चुका है मैं इसीलिए सही कहा किसी ने कांग्रेस को तभी याद आते हैं दलित पिछड़े आदिवासी जब सत्ता से बाहर होती है सत्ता आने का अनुमान हो या सत्ता में आ जाए फिर उनको दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों की खैर नहीं होती है तो नए तरह का हिंदुत्व जो है राजनीति जो है वो कांग्रेस कर रही है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में सोचिए इस देश के मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज के लोगों से कहना हूं, कहता हूं क्या आप अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सचेत रहिए किसी की दुकान में दुकानदारी करने से अच्छा है कि कम से कम उस दुकान में हिस्सेदारी बनाइए आप कांग्रेस जितने सब लीडरशिप वाली पार्टियां अगर वहां आपको सीधे भागीदारी नहीं मिलती है अगर आपकी पार्टनरशिप नहीं है तो उनके दुकान में मजदूर मत बनिए पार्टनरशिप में रहिए गठबंधन की राजनीति में आइए मानवर कांसी राम साहब ने कहा है मजबूर मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए खाना खाने वाला महान या खाना खिलाने वाला महान दक्षिणा लेने वाला महान या दक्षिणा देने वाला महान दान देने वाला महान या दान लेने वाला महान पूजा किसकी होनी चाहिए जो जो दान दे रहा है दक्षिणा दे रहा है पैर किसका छुआ जाना चाहिए महान कौन होगा खाना खाने वाला या खाना खिलाने वाला इसीलिए मैं कह रहा हूं ये कलम युग है कल युग नहीं है कलम का युग है जिन लोगों ने साजिश की है दुनिया के सबसे ज्ञानी आदमी बुद्ध से जिन्होंने बुद्ध बनाया है इन लोगों को पहचानिए वो कौन लोग हैं जो अपने नए घर को प्राचीन लिखते हैं इनसे सावधान रहिए और अपना दिमाग लगाइए शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं निशल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें